स्वादिष्ट टुकड़े कैसे बनाएं, आइए देखिए वीडियो पूरा। आज मैं बताऊंगा सूखी रोटियों के टुकड़े बनाना। सूखी रोटियों के टुकड़े बनाने के लिए मैंने ये सूखी रोटियां ले ली हैं। इसको मैंने 2-3 दिन सुखाया है। अब इस रोटियों का छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अभी अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। कढ़ाई में करीब 4 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और 50 ग्राम करीब लहसुन की कलियां मैंने ली है वो भी डाल देंगे। थोड़ा राई भी डाल देंगे। लहसुन की कलियां को मैंने कूट के रखा है, इसमें डाल देंगे करीब 50 ग्राम। इसमें 2-3 हरी मिर्च और 2 आलू मैंने काट के रखे हैं वो भी इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च और आलू डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है टुकड़ों में। ठंडी रोटी के टुकड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। मेरी स्टाइल में एक बार ज़रूर बनाइएगा। अभी हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच करीब धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच करीब लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, TRC किचन चैनल को सपोर्ट जरूर कर देना। अभी हम इसमें थोड़ा और पानी डाल के करीब इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। ढक्कन लगा के पकाएंगे। अब हम इसमें करीब 4 लोटा पानी डाल देंगे। मैंने 4 लोटा पानी डाल दिया। अब इसको ढक्कन लगा के करीब उबाल आने तक पकाएंगे। मिक्स करेंगे। ढक्कन लगा के पकाएंगे। फाइनली ढक्कन उठा के देखेंगे, पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें रोटियों के तोड़े हुए टुकड़ों को इसमें डाल देंगे। अब डाले हुए टुकड़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने डाले हुए टुकड़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी ढक्कन लगा के करीब इसको 5 मिनट उबलने के लिए छोड़ देंगे। उबलते हुए टुकड़ों को करीब 5 मिनट हो गया है। अब ढक्कन उठा के देखेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, TRC किचन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फाइनली रोटियों के टुकड़े बनके रेडी हो गए हैं। तो आप बनाइएगा रोटियों के टुकड़े। मिलते हैं TRC किचन चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।